नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त केपी। तो आज हम बात करेंगे कैसे अंग्रेजी सीखा जाए। अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग बहुत इधर उधर के भागा दौड़ी करते हैं, उसके बाद कुछ कुछ तो सीख लेते हैं, कोई कोई सीखता नहीं है। तो जो नहीं सीख सकता उनके लिए आज का ये शो है। आप देखते रहें और आपको मैं आशा करता हूँ कि अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, कोई कोई तो कोचिंग में जाते हैं, कोई कोचिंग के अलावा घर पे बुक खरीद के पढ़ते हैं, अच्छी है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे टिप्स को फॉलो करना होगा। तो टिप्स क्या है, आप अंग्रेजी सीखने के लिए दौड़िए मत, धीरे धीरे सीखते रहिए, दिन ब दिन कुछ टिप्स को फॉलो करिए। मेरा टिप्स ऐसा है, पहली बात अपने मातृभाषा को बहुत अच्छे से जानना होगा आपको। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो फिर ये मुश्किल है, क्योंकि आप अगर खुद कोई बात नहीं कह सकते तो फिर ये अंग्रेजी सीखने का ख्वाब भूल जाएंगे। दूसरा एक चीज़ कि आप जितने भी टीवी देखते हैं उनमें खबर जो देखते हैं, खबर ज़्यादा देखा कीजिए, न्यूज़ हर वक्त देखिए। तो कौन सा न्यूज़ देखें, हम लोग देखेंगे आपका इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद हर एक दिन साल में अगर 365 दिन है, 365 दिन में 300 दिन पकड़ लीजिए, और हर एक दिन अगर दो दो करके शब्द आप सीखेंगे तो फिर साल में हो जाएगा 600 सब शब्द, मतलब 600 वर्ड्स। तो मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि अच्छा सर बोलिए, सीखने के लिए इंग्लिश हम लोगों को क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? हाँ, बिना ग्रामर के, बिना कोई भाषा के स्ट्रक्चर के हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो इजीली सीखने के लिए हम लोग क्या करें, इजीली सीखने के लिए हम लोग दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो घर में जो लोग हैं उनके साथ टूटा फूटा जितना भी जैसे भी आता हो आपको अंग्रेजी वो बोला कीजिए, क्योंकि बोलना एक बहुत अच्छा आदत होता है। दूसरी चीज़, हर एक दिन दो दो शब्द सीखिए, उनको सुबह सीख लिया शाम को लिखिए, सीख के तुरंत मत लिखिए। ये गलती हर एक लोग कर देते हैं कि सीख के तुरंत ही लिख देते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सब कुछ मिट जाएगा। तो इसके लिए आप कहकर क्या करेंगे, आप लोग सीखने के बाद सुबह सीख लिए उसके बाद शाम को उसको लिखिए, उसको चेकअप कीजिए, डिक्शनरी खोलिए, और उसके बाद जो शब्द आपने सीख लिया उसको हफ्ते के अंत में 6 दिन के बाद में संडे को थोड़ा सा रिवाइंड, मतलब दोबारा देखिए। तीसरा चीज़ आप एक काम कीजिए, जो न्यूज़पेपर्स आते हैं चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, उनमें शब्दों के चयन, उनके यूज़ को देखिए, कैसे ये इस्तेमाल हुआ है शब्द, कैसे सेंटेंसेस लिखा गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और आप देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो कह सकेंगे। अच्छा, तो ग्रामर तो हम सीखेंगे ये मैंने बोल दिया, लेकिन ग्रामर बोलते हुए हम लोगों को दिक्कत ही आता है कि ग्रामर का कहाँ से शुरू करें, इतना सारा मोटा बुक है तो उसमें से कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें, ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तो यारो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ग्रामर हम सीख सकते हैं।
ग्रामर सीखने के लिए हम लोग अपने अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने ही सारे शरीर में ग्रामर को याद करना होगा। हाँ जी, कैसे याद करें? जैसे समझ लीजिए, नाउन मतलब नाम, किसी चीज़ का नाम, उसको नाउन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो नाउन कैसे याद रखें, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है, इजी है। ये जो आप हाथ देख रहे हैं, इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 उंगलियों में 5 तरह का नाउन होता है। हाँ जी, पहले में प्रोपर नाउन, दूसरे में कॉमन नाउन, तीसरे में कलेक्टिव नाउन, उसके बाद चौथे में मैटेरियल एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो आप लोग पूछेंगे कि सर ये जो प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कुछ आपने बोल दिया, अंग्रेजी सीखने के लिए बोल दिया, सीख के हम लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत दिक्कत आ रहा है। ये प्रोपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मेटेरियल क्या है? घबराइए मत, प्रॉपर मतलब है सही। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, हर एक ग्रामेटिकल, ग्रामर में यूज होने वाला शब्द का, टर्म का मीनिंग जो होता है, मतलब ये पूरा उसमें उसका छिपा रहता है। जैसे प्रॉपर नाउन को ले लीजिए, प्रॉपर मतलब है सही, सही नाउन। तो सही क्या है? अगर चीज़ों का नाम, जैसे इंसान तो इंसान है, उसमें आप है, हम है, बहुत सारे और भी है, लेकिन इतने सारे इंसानों में आप जैसे किसी का नाम श्याम है, किसी का अविनाश है, तो श्याम को आप श्याम बोलने से सही ढंग से जो पुकारते हैं तभी श्याम आपको उत्तर देता है कि हाँ मैं श्याम हूँ। और अगर अविनाश को पुकारे तो अविनाश भी उत्तर देगा कि मैं हाँ अविनाश हूँ। मतलब ये कि अविनाश शब्द के द्वारा हमने जिस इंसान को सही ढंग से पुकारा और उसने उसके आंसर में कुछ उत्तर दिया, तो फिर ये हो गया, ये शब्द हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे समझ लीजिए आपके घर में कुत्ता है, तो कुत्ता को आप कुछ करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसका नाम रख दिए जैसे टॉम, टॉमी, कुछ भी, तो देखा जाता है कि अमूमन मालिक जब बुलाते हैं टॉम करके या टॉमी बोल के, तो कुत्ता दौड़ के चला आता है। लेकिन कुत्ते को कैसे मालूम पड़ता है कि ये इसका नाम है? क्योंकि उसको हर एक दिन बोला जाता है ये शब्द, और वो समझ जाता है कि ये शब्द मेरे से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, तो वो ये देख के दौड़ के चला आता है। मतलब ये कि जो टॉम और टॉमी है, ये क्या हो गया? प्रॉपर, सही, उस कुत्ते के लिए सही, उसने समझ लिया। तो ऐसे जो शब्द है, मतलब किसी इंसान का नाम, किसी पशु पक्षी का नाम, जिसको बोलने से वो खुद को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आया प्रॉपर गया, उसके बाद आया कॉमन नाउन। कॉमन, कॉमन मतलब है कि सबके लिए, तो सबके लिए मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में इंसान भी बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि दो प्रकार के हम गिनते हैं, लेकिन होते हैं तीन प्रकार के, जैसे मेल, फीमेल, ओके, ट्रांसजेंडर्स को हम लोग आजकल गिनते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण, वो भी इंसान है। लेकिन मेल और फीमेल, इन दो तरह के शब्द को हम ही, शी, जैसे समझ लीजिए राम, राम तो कोई लड़की का नाम नहीं होगा, राम तो होगा लड़के का नाम। दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूँ सबिता, सबिता लड़की का नाम है, लड़के का नहीं।
तो फिर ऐसे कुछ शब्द है जो लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी सेम टू सेम यूज होता है। जैसे मैं अगर बोलूं बेबी, बेबी बोलने से ये समझ में नहीं आता कि ये लड़का है कि लड़की है। मैं अगर बोलूं टीचर, टीचर बोलने से ये लड़का है कि लड़की है समझ में नहीं आता। डॉक्टर दोनों को समझाते हैं, इंजीनियर दोनों को समझाते हैं। तो मतलब ऐसे कुछ शब्द जिनसे लड़का भी और लड़की भी दोनों को समझाया जाए तो उनको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। कॉमन दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की। तो आ गया समझ में, प्रोपर नाउन कॉमन नाउन। प्रोपर नाउन मतलब किसी का नाम, कॉमन नाउन ऐसा एक नाम जो लड़का का लड़के के लिए भी यूज होता हो और लड़की के लिए भी यूज होता हो। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, ये कलेक्टिव शब्द आया है कलेक्शन से। कलेक्शन तो आप समझते हैं, मतलब झुंड, एकत्रित करना, दल या ग्रुप। तो ये कलेक्टिव नाउन जो है ये आपका कलेक्शन दिखाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीजों को एक साथ एक ही बार में बोल देना। जैसे आप समझ लीजिए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बंच ऑफ फ्लावर्स जिसको हम बुके भी बोलते हैं, फ्लावर बुके, या फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शोल ऑफ फिश। तो ये जो शब्द है, जिसे स्कूल ऑफ फिश भी होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है। तो देखिए डकैत जो होते हैं ना, डकैत, डकैत जो होते हैं इकला का भी डकैती करने के लिए आते नहीं है, वो लोग दल में आते हैं, इसीलिए बोला जाता है उसको गैंग ऑफ रॉबर्स। नेक्स्ट आता है आपका जैसे शोल ऑफ फिश। मछली को तो हम बाजार से जब खरीदते एक ही खरीदते हैं या फिर ग्रुप में खरीदते हैं, लेकिन पानी में जब वो रहते हैं इकला का भी मछली रहता नहीं है, तो ग्रुप में रहता है, इसीलिए बोलते हैं शोल ऑफ फिश। तीसरा जैसे समझ लीजिए स्वार्म ऑफ बीज। ये स्वार्म ऑफ बीज क्या है, मधुमक्खियों को आपने देखा होगा, ये मधुमक्खी कभी अकेला रहता नहीं है, ग्रुप में रहता है, इसको इसीलिए बोला जाता है कि स्वार्म ऑफ बीज। ये जो शब्द है स्वार्म ऑफ बीज, शोल ऑफ फिश, ये सारे जो शब्द है जिनके द्वारा, जैसे बंडल ऑफ मैच स्टिक्स, आपने कभी माचिस खोला होगा इसके अंदर एक स्टिक कभी नहीं आपको मिला होगा, एक से ज्यादा बंडल में आपको स्टिक मिला होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि ये बंच में आता है, ग्रुप में आता है, दल में आता है, और जिन शब्दों के द्वारा ग्रुप, दल, बंच समझाया जाए उनको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। मतलब हमारा तीसरा जो नाउन है, तीसरा नाउन तो क्या, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद आया मेटेरियल नाउन। देखिए मेरे ये फिंगर जो मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इस फिंगर में एक अंगूठी है, ये किससे बना हुआ है, मेटल। कौन सा मेटल, गोल्ड। तो मतलब ये है कि मेटेरियल नाउन मैटर को दिखाता है। मैटर ऐसा एक चीज है जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसमें क्या क्या आता है आपका, पेड़ पौधे, नहीं पेड़ पौधे जिंदा नहीं, मरे हुए, लकड़ी जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी आता है, ईंट आता है, पत्थर आता है, सीमेंट आता है, धातुएं आते हैं, जितने भी सारे, सोना, रूपा, तांबा, जो भी है, तो इतने सारे चीज जो लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, इन सारे चीजों को जिन शब्दों के द्वारा समझाया जाता हो, जैसे फैन, पंखा, अभी घूम रहा है मेरे ऊपर, एक पंखा घूम रहा है, गर्मी है बहुत अभी तो इसीलिए जो मैं बोल रहा था, मैटेरियल है नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि आजकल ये मेटेरियल नाउन को अलग तरीके से दिखाया नहीं जाता। किसी किसी ग्रामर बुक में, जैसे रेनन मार्टिन, नेसफील्ड, इनके ग्रामर बुक्स में
कभी भी ये रेन एंड मार्टिन और नेस्पिल में आपको नहीं मिलेगा मेटेरियल नाउन। हाँ, इंडियन ग्रामर बुक्स में मिल सकता है, ऑफ कोर्स मिल जाएगा, लेकिन ये है नहीं, है ऐसा नहीं है, यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसको अलग तरीके से प्रॉपर नाउन में ही डाल दिया जाता है, तो यूज़ नहीं होता। कभी कभी कलेक्टिव में हो जाता है, कभी कभी कॉमन में हो जाता है, जो भी है छोड़ दीजिए, लेकिन हम सीखेंगे मेटेरियल नाउन मीन्स सम ये चीज़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं है। ये जिंदा है मेरे अंगूठे नहीं। ओके, लास्ट सर हम समझ लीजिए, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल, प्रॉपर मतलब इंसानों का नाम या कोई एनिमल बर्ड किसी का नाम जो है, नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन है जो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज होता है, उसके बाद है कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब है ग्रुप या दल, फिर मटेरियल मतलब नॉन लिविंग थिंग, लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब है विमूर्त, जो है नहीं, मूर्त है नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन सही में होता है? हाँ, होता है। जैसे मुझे ये वीडियो करने में पहले थोड़ा सा झिझक हो रहा था, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं ना, हेजिटेशन। तो ये जो हेजिटेशन है, कोई क्या मुझे हेजिटेशन 100 ग्राम का लाके दे सकता है? कतई नहीं, नहीं दे सकता। या फिर मैंने या किसी को बोला भाई जाओ दुकान में जाओ, जाके हेजिटेशन लेके आओ, नहीं ला सकते ना, है ही नहीं जो। लेकिन हम कैसे बोलते कि ये हेजिटेशन है, झिझक है? क्योंकि हम महसूस करते हैं ऐसा कुछ नाम जो हमें महसूस होता है, लेकिन हमने हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा, जैसे चक्षु है, सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, जैसे आईज चक्षु, कान ईयर्स, नाक नोज, माउथ मुंह, और उसके बाद स्किन चमड़ी, इन पांचों के द्वारा अगर हमने समझा नहीं उस चीज को, लेकिन छठे चीज जो छठे इंद्रिय होते हैं हमारे, 6th ऑर्गन सेंस ऑर्गन, मन, मन में अगर हम समझ लिए तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब रियल में होता नहीं लेकिन समझते हम लोग। जैसे हम बोलते हैं कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, लव। ये लव किसी ने देखा है? किस रंग का होता है, खाने में कैसा टेस्ट है, लेकिन हम लोग फील करते हैं, समझते हैं। उसके बाद हेट, घिन, उसके बाद फियर, डर, उसके बाद आता है आपका भगवान, आपने देखा है, लेकिन सब तो मानते हैं, मतलब है लेकिन हमारे पांचों इंद्रियों से बाहर है, हम समझ नहीं सकते। ओके, तो ऐसे कुछ शब्द जिनके द्वारा हम पांचों इंद्रियों के बाहर रहने वाले चीजों को समझाए, भूत प्रेत घोस्ट, हाँ, तो इन सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, तो देखिए आज पहले दिन में ही आपने नाउन क्या है, कैसा है, किस लिए है, सब कुछ समझ गए हैं। आशा करता हूं कि नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को आप दबाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, आपकी उत्तर की अपेक्षा है। धन्यवाद।